तालियां दिल से आनी चाहिए। यस भारतीय कला संगम ने आज एक डोगरी फोक सॉन्ग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। उनके डायरेक्टर रमेश जी इस समय हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। आपके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज फिर से एक डोगरी फोक सॉन्ग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्या विशेष था आज? नमस्कार, मैं रमेश सिंह, डायरेक्टर भारतीय कला संगम। भारतीय कला संगम ने आज फिर एक डोगरी फोक म्यूजिक के ऊपर कार्यक्रम किया है। इसमें वो जाने माने जो आर्टिस्ट थे उनको हमने मौका दिया और इसके साथ ही जो वो बडिंग आर्टिस्ट जो नए आर्टिस्ट थे उनको भी हमने मौका दिया। भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम जो नए बडिंग आर्टिस्ट है उनको हम मौका दें, उनको प्लेटफार्म दें ताकि वो भी अपनी कला का प्रदान कर सकें। तो भारतीय आइंदा भी भारतीय कला संगम यही आइंदा जो प्रोग्राम होंगे वो भी नए आर्टिस्ट है उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ जो जानी मानी हस्तियां उनको हमने सम्मानित भी किया है। तो भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि जिनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन हम उनको सम्मानित करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी आपका कार्यक्रम होता है आप डोगरी को लेकर अपनी आवाज जरूर उठाते हैं, विशेषकर जिस तरह से इस समय सैटेलाइट चैनल को लेकर बात की जा रही थी, हर बार आपका गुस्सा निकलता है कि इस बार भी क्या आपका फिर से वही गुस्सा सामने नजर आया? जी बिल्कुल, आपने ये सवाल ठीक किया क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट चैनल हमें नहीं मिल रहा है, कश्मीर का उनको मिल गया सैटेलाइट चैनल, रेडियो मिल गया सैटेलाइट चैनल, मगर ना ही हमारा कोई सैटेलाइट चैनल दूरदर्शन है ना ही हमारा रेडियो है क्योंकि जम्मू का लीडर कोई नहीं है। चैनल जो है कश्मीर को मिल गया है, उनका जो रेडियो है वो भी सैटेलाइट चैनल है, हमारा जम्मू का ना ही रेडियो सैटेलाइट है और ना ही हमारा दूरदर्शन सैटेलाइट चैनल। ऐसा क्यों है, डोगरों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा लीडर जम्मू का कोई नहीं है। अगर हमारे जम्मू का लीडर हो तो ऐसा हमारे साथ मत हो, हमारा कल्चर है, डोगरा कल्चर है, वो खत्म हो गया, दिन खत्म होने के कगार पर है। तो इसलिए सबका चाहिए कि अपना कल्चर बजाओ, जिस कौम का कल्चर नहीं है वो कौम आज भी तबाह और कल भी तबाह है। हमारा कल्चर था, हमारी पहचान थी डोगरों की, आज सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी देखते हैं कि नए आर्टिस्ट जरूर आ रहे हैं आपके इस कार्यक्रम में, हमेशा देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन होती है बिल्कुल यंग जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी तरफ से होती है, इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं कि बाकियों की तरफ से इतनी इनिशिएटिव नहीं है? भारतीय कला संगम ने यही बेड़ा उठाया हुआ है कि जो बडिंग आर्टिस्ट हैं हम उनको मौका देंगे ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन करें तो आगे आए, तो आइंदा कोई भी मेरा मतलब हमारे साथ जुड़ सकता है वो हम उसको आगे प्लेटफॉर्म देंगे। भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम जिन बच्चों को मंच नहीं प्रदान होता हम उनको मंच प्रदान करते हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करें और आगे आए। जम्मू में कोई कमी नहीं है, जम्मू में कल्चर की कोई कमी नहीं है या आर्टिस्टों की कमी नहीं है, उसको उभारने का टाइम चाहिए। लेकिन इस सारे सिनेरियो के बीच में जिन लोगों को साहित्य या लोकगीत में पद्मश्री के अवार्ड मिल रहे हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है? क्योंकि जिन्होंने पद्मश्री लिए हुए हैं वो तो बोलते नहीं हैं, कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि डोगरी हमारी तो दिन ब दिन खत्म हो रही है, ठीक है ना, डोगरा हमारा कल्चर है वो दिन ब दिन खत्म हो रहा है। ये सबका फर्ज बनता है, हम एक प्रोग्राम करा लेंगे महीने में एक दो करा लेंगे तो इससे हमारा कल्चर वापस नहीं आएगा, क्योंकि कल्चर की कल्चर पॉलिसी चाहिए, कल्चर पॉलिसी आज तक बनी नहीं है, ठीक है ना। हम सब जितने भी डोगरे हैं जिन्होंने अवार्ड लिए हुए हैं सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, अगर एक मंच पर नहीं आओगे तो इससे भी ज्यादा आपके हालात खराब होंगे डोगरों। बिल्कुल सही बातें कहीं कि अगर डोगरी को बचाना है तो सब लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा, और विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें कहीं सम्मान मिले हैं डोगरी में काम करने को लेकर, और सरकार से अगर उनको सम्मान मिले तो सरकार से उनसे प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए कि आखिर डोगरी भाषा को उसे उसके प्रचार के लिए डोगरी फोक सॉन्ग को लेकर क्यों इतनी नाराजगी जो है सरकार दिखाती है, जैसे उनकी डिमांड है कि एक सैटेलाइट चैनल होना चाहिए। इस पर आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।